नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। पांच राज्यों के चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस के कुछ जाने पहचाने चेहरे एक जाना पहचाना खेल खेल रहे हैं। पहले हिंदुत्व की तुलना आईएसएस और बोको हराम से करने वाले सलमान खुर्शीद अपनी किताब के जरिए राजनीतिक माहौल सेट करते हुए दिखाई दिए और अब विवादित बयानों के सलामी बल्लेबाज कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर मुगलों की शान में एकदम बिछ गए। मुगल प्रेमी मणिशंकर अय्यर ने एक तरह से इतिहास का नया डिजाइन पेश कर दिया। आज कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की जुबान से मुगलिया मासूमियत के किस्से सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हमने मणिशंकर ब्रांड वाले मुगलिया इतिहास के फैक्ट चेक का प्रबंध किया। वैसे मणिशंकर अय्यर अकेले नहीं है। चुनावों से पहले इतिहास की अलमारी से कई नामों को झाड़पोंछ कर निकाल लिया गया है और स्वाद अनुसार इनका इस्तेमाल हो रहा है। जिन्ना से लेकर सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य वाली इस पॉलिटिक्स से आपको खबरदार रहना चाहिए। और चुनावी माहौल में तुष्टिकरण की राजनीति के तमाम सैंपल आपको ध्यान से देखने चाहिए। भारतीय रेल के लिए आज का दिन एक नए अध्याय की तरह है। देश के पहले वर्ल्ड क्लास आईएसओ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत बने देश के इस पहले रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। पहले इसका नाम हबीबगंज था। इस स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं और इसे जर्मनी के हार्डलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर डेवलप किया गया है। आज हम आपके लिए इस स्टेशन का ऑन स्पॉट विश्लेषण करेंगे और आपको गोंड राजवंश की रानी कमलापति के बारे में भी बताएंगे जिनके नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। आज काशी विश्वनाथ धाम में फिर से देवी अन्नपूर्णा की दुर्लभ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अन्न की पूर्ति करने वाली देवी अन्नपूर्णा की यह मूर्ति 1913 में वाराणसी से गायब हुई और बाद में कनाडा की आर्ट गैलरी तक पहुंच गई, लेकिन मोदी सरकार ने इसे वापस काशी विश्वनाथ मंदिर तक लाने का प्रण लिया, उसे पूरा किया। आज इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें आपके मन को प्रसन्न कर देंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मां अन्नपूर्णा की स्थापना के लिए पालकी उठाई और प्रतिमा को स्थापना स्थल तक पहुंचाया। इस मूर्ति को आज काशी विश्वनाथ मंदिर में ईशान कोण में स्थापित किया गया। इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिस नहीं करनी चाहिए। कुछ महीनों बाद पांच राज्यों में चुनाव होने, इन विधानसभा चुनावों के लिए हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। रैलियां, भाषण, दौरे सब हो रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस की तरफ से मणिशंकर अय्यर एक बार फिर चुनावी पिच पर सलामी बल्लेबाज के तौर पर आ गए और उन्होंने मुगलों की तारीफ में ऐसी सलामी दी है कि बड़े बड़े इतिहासकार दंग रह जाए। मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी पर हमला करते हुए यह बताने की कोशिश की कि मुगल बहुत मासूम थे। मणिशंकर ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि मुगलों के अत्याचार पर उन्हें दोष मत दो, वो तो विदेश से आए असभ्य लोग थे और भारतीयों पर सिर्फ अपना गुस्सा उतारते थे। मणिशंकर अय्यर का मन और क्या क्या कह रहा है ये आप ध्यान से सुनिए। इसके साथ उनके मुगलिया इतिहास का फैक्ट चेक भी करेंगे। मुगलिया सल्तनत के दरबारी भी शहंशाह की क्या ही तारीफ करते होंगे जितना मणिशंकर अय्यर ने मुगलिया सल्तनत की कर दी। वो कभी अपने घर वापस नहीं गए और ये है अंतर अंग्रेजों और मुगलों में कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ राज करने के लिए आए हैं, बाकी हमारा घर तो वही है। बाबर आज जिंदा होता तो मणिशंकर को हीरे जवाहरात से लाद देता, औरंगजेब ये कसीदे सुन रहा होता तो अपने सिंहासन से खड़ा होकर तालियां बजाता और मणिशंकर को गले लगा लेता, कहता कि मांग लो जो चाहिए। विदेश से वो आते थे, असभ्य लोग थे, इसीलिए उन्होंने बहुत क्रोध किया भारत पर, लेकिन यहां रहने के बाद वो भारतीय बन गए। मणिशंकर की बातों से लगता है कि कितने मासूम थे मुगल, भोले थे, नहीं जानते थे कि जो तलवार लेकर वो यहाँ आए थे उससे मारो तो कत्ल हो जाता है। वो नहीं जानते थे कि भारतीयों के घरों में जो जवाहरात रखे होते थे उन्हें जबरदस्ती छीनना लूट होती है। सिर्फ मुगल ही नहीं, मणिशंकर के किस्सों में मोहम्मद गौरी का भी बड़ा ऊंचा स्थान है। मणिशंकर अय्यर अगर उस जमाने में होते तो सल्तनत काल के सुल्तानों से लेकर मुगलों तक हर दौर में अधिकारी के इतिहासकार नियुक्त कर दिए गए होते। बाबर जो थे, जिसकी औलाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर
मुझको नाम देते थे कि ये बाबर की औलाद है, वो इस देश के थे। और ये कहना कि बाबर की औलाद इसलिए आपको यहाँ रहने की इजाजत ही नहीं है, कि आप कैसे आए हो यहाँ, कि आपने हमें हमारा गला काटा है, ये कैसे सच हो सकता है? जिन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया उनके प्रति ऐसा आदर देखकर सभी दंग हैं। मणिशंकर अय्यर अलग अलग एंगल से मुगलों की तारीफ करते हैं और मौका लगाकर मुगल शासकों को डिस्काउंट भी दे देते हैं। मणिशंकर अय्यर के मुगलई किस्सों में मुगल शासकों के मनोविज्ञान का विशेष स्थान है। मुगलों के मन की बात वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वही बाबर भारत वर्ष आया सन 1526 में और उनका मौत हुआ सन 1530 में। मतलब वो भारत में मात्र 4 साल रहे, 4 ही साल, और उनको ये भारत पसंद नहीं आया। कहते थे कि यहाँ तरबूज नहीं मिलते हैं, यहाँ आइस नहीं मिलता है, तो ये क्या किस्म की देश है। लेकिन तब भी उन्होंने तय कर लिया था कि अब तो हम पहुँच गए हैं और अब हमें अपना साम्राज्य चलाना है। तो वो जानते थे कि वो बीमार हैं, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने बेटे को, अपने ज्येष्ठ बेटे को, जिसका नाम था हुमायूं। उन्होंने हुमायूं को बताया कि यदि आप देश को, इस देश को चलाना चाहते हो, यदि आप अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो यहाँ के निवासियों के धर्म में आप दखल न दीजिएगा। आक्रमणकारियों को मासूम और अत्याचार को मासूमियत बताने वाला ये इतिहास का नया डिजाइन है, जिसका आविष्कार मणिशंकर अय्यर कर रहे हैं। हालांकि इतिहासकारों को मणिशंकर के इतिहास का डिजाइन समझ में नहीं आ रहा। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि जिन शासकों की तलवारों पर लाखों लोगों का खून लगा हो, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत का निर्माण नहीं अपने स्वार्थ की पूर्ति और देश की संपदा की लूट रही हो, उनका शासन आदर्श कैसे हो सकता है? लेकिन मणिशंकर अय्यर धुन के पक्के हैं। उन्होंने एक बार मुगलों को अपना मान लिया तो मान लिया। अकबर, वो इस देश में पूरे 50 साल तक उन्होंने राज किया, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जहां मैं मंत्री होने के समय रहता था, उस सड़क का नाम है अकबर रोड, और हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है। हमें तो कोई इतराज नहीं है, हम नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस वॉल्यूम 9 में इतिहासकार एमएल चौधरी लिखते हैं कि अकबर के कार्यकाल के दौरान सन 1572 में कांगड़ा में कई मंदिर तोड़े गए। बनारस के एक मंदिर को तोड़कर मदरसे में बदल दिया गया। गुजरात में जैन धर्म में पूजनीय मूर्तियों को तोड़ा गया। जबकि मणिशंकर अय्यर का कहना है कि अकबर उनका अपना था और कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि उनके ऑफिस वाली अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। मुमकिन है कि मुगलई व्यवस्था के फैन मणिशंकर अय्यर इनकार कर दें, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत में मुगल हमलावर मूल रूप से लूट के इरादे से ही आए थे, गुलाब का फूल लेकर नहीं, और मुगल काल में हिंदू अनुयायियों को तलवार के दम पर या दूसरे तरीकों से धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, उनके साथ भेदभाव हुए। मुगल काल में हिंदू धर्म को मानने वाले मुगल शासन के रहम करम पर थे, हिंदुओं को अपनी धार्मिक मान्यताओं को पूरा करने की आजादी थी, लेकिन वो एक टैक्स देने पर ही ये मिलती थी, जिसे जजिया कहा जाता था। हिंदू ही नहीं, अन्य धर्मों के भी अनुयायियों को भी अपने अपने पूजा घर बनाने की अनुमति नहीं थी। औरंगजेब के दौर में सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया, सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन किए गए, और जब हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाने लगा तब हिंदुओं ने इसका विरोध किया। इसके बदले में 1665 में हिंदुओं की मान्यताओं को कुचलने का एक और प्रयास होली दिवाली जैसे त्योहारों पर पाबंदी लगाकर भी किया गया। यही नहीं, 1694 में हिंदुओं पर यमुना के किनारे अंतिम संस्कार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।
किसी भी हिंदू को मुस्लिम जैसे कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी ताकि गैर मुस्लिमों की आसानी से पहचान हो सके, और ये भी मुगल सल्तनत का ही आदेश था। मुगलों की तारीफ एक ऐसे वक्त में की गई है जब देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। मणिशंकर अय्यर भी कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो चुनावों के आसपास विवादित मुद्दों के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। इस बार उन्होंने मुगलों की शान में जो कसीदे पढ़े हैं उनका भी दूरगामी असर देखने को मिलेगा। आज तक ब्यूरो। मुगल बादशाहों के बारे में मणिशंकर अय्यर जैसे लोग ये बातें फैलाते हैं कि मुगलों के राज में देश सोने की चिड़िया बन गया, देश की अर्थव्यवस्था ने तेजी से तरक्की की, अकबर का शासन बेदाग था, औरंगजेब बहुत बड़ा सुधारक था जिसने कई सुधार किए थे। लेकिन जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मुगल इतिहास की इस काल्पनिक हैप्पी एंडिंग पर बहुत सारे सवाल हैं। एम ए खान की किताब इस्लामिक जिहाद अ लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी में मुगलों के शासन पर कई अध्याय लिखे जो आंखें खोल देने वाले। इसके साथ ही फ्रांस के एक विद्वान फ्रांसवा गौतिये की किताब रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री में भी कई दिलचस्प बातें जानने को मिलती हैं। एम ए खान ने अपनी किताब में अकबर की चित्तौड़ विजय का जिक्र करते हुए एक बड़ी बात लिखी है। वो लिखते हैं कि मुगल बादशाह अकबर ने वर्ष 1568 में चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। जब अकबर ने युद्ध में मारे गए 8000 राजपूत सैनिकों की पत्नियों को गुलाम बनाने का आदेश दिया, तब करीब 8000 औरतों ने अपमान से बचने के लिए जौहर कर लिया था। एम ए खान ने अपनी इसी किताब में औरंगजेब के अत्याचारों का जिक्र किया। एम ए खान ने इब्न अक्सरी नाम के इतिहासकार की किताब अल तारीख का जिक्र करते हुए लिखा कि बादशाह औरंगजेब धर्मांतरण करवाने के लिए हिंदुओं को बड़े पद देता था। अगर कोई हिंदू अपराधी मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो जाए तो उसको आजाद कर दिया जाता था। औरंगजेब के राज में ताकत के दम पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया गया और उत्तर भारत की डेमोग्राफी पर इसका गहरा असर पड़ा। एम ए खान ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि औरंगजेब ने हिंदू जमींदारों को भी इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इसके लिए उनकी जमींदारी छीन लेने या फिर जान से मार देने की धमकी दी जाती थी। इस संदर्भ में मनोहरपुर के जमींदार देवी चंद और मालवा में रामपुर के जमींदार रत्न सिंह के धर्म परिवर्तन का जिक्र है। आगे एम ए खान अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर मुसलमान किसी हिंदू व्यापारी से कर्ज लेते थे और फिर चुकाना नहीं चाहते थे तो उस पर इस्लाम को अपमानित करने का आरोप लगाकर केस बना दिया जाता था और काजी से शिकायत कर दी जाती थी। 1658 में औरंगजेब ने एक आदेश दिया था कि इस्लाम स्वीकार करने वाले प्रत्येक हिंदू को 4 रुपए और प्रत्येक महिला को 2 रुपए राजकोष से दिए जाएंगे। उस वक्त यह रकम बहुत बड़ी हुआ करती थी। धर्मांतरण करने पर जजिया और खिराज जैसे टैक्स भी माफ कर दिए जाते थे। फ्रांसवा गौतिये की किताब रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री के पेज नंबर 39 पर लिखा है कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिदों को बनाने का आदेश दिया था। औरंगजेब के समय के एक ऐतिहासिक दस्तावेज में यह लिखा मिलता है कि चित्तौड़ में 63 मंदिर तोड़ दिए गए। आमेर में मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ने के लिए अबू तरब को नियुक्त किया गया। मणिशंकर अय्यर ने मुगलिया सल्तनत का महिमा मंडन तो कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि वो इतिहासकार नहीं है। हमने इतिहासकारों से मुगलों के सच्चे इतिहास पर बात की। अकबरनामे में लिखा हुआ है कि 1568 को जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट को जीता और उसको जीतने के बाद में 30,000 के आसपास सिविलियंस को, अनआर्म्ड सिविलियंस को बूचर कर दिया गया था। इसका क्या जस्टिफिकेशन है? Those were the Hindus and they were butchered. तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है? और यहां मैं आपको एक बता दूं, अकबरनामा के खुद के लेखक फैजी भी इसको ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाए, जबकि वो तो कोर्ट के राइटर थे। उन्होंने पूरी कोशिश करी किसी ढंग से इसको पैचअप करा जाए और अपने जो शासक हैं उसको एक बहुत उदार मानव के तरीके से दिखा जाए, धर्मनिरपेक्षता दिखा जाए। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन अकबर के टाइम पर भी हुए हैं, क्योंकि अकबर ने खुद डायरेक्ट नहीं कराया तो उस समय चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रीजनल चीफ्टन्स जो थे तमाम मुस्लिम हुआ करते थे, तो उन्होंने प्रेशर डाल के काफी कन्वर्जन कराए। एक दौर ऐसा भी था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन ने दुनिया के तमाम देशों की जीडीपी पर अध्ययन किया था और उनके रिसर्च में मौजूद वर्ष 1 से लेकर वर्ष 2008 तक के तमाम आंकड़ों के आधार पर ये ग्राफ बनाया गया था।
इससे जीडीपी में पिछले 2000 साल के उतार चढ़ाव को समझा जा सकता है। इस ग्राफ में अमेरिका, पश्चिम यूरोप, चीन, भारत और मिडिल ईस्ट के जीडीपी शेयर को दिखाया गया है। इस ग्राफ में भारत की जीडीपी शेयर पर गौर कीजिए। आप देखेंगे कि भारत का जीडीपी शेयर कैसे धीरे धीरे कम होता गया। पहली शताब्दी और उसके पहले का समय भारत के लिए एक तरह का स्वर्ण युग था। तब भारत का जीडीपी दुनिया के 30% से भी ऊपर था। ये वो दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मेडिसन की गणनाओं के अनुसार सन 1000 में दुनिया की जीडीपी में भारत और चीन का योगदान 50% से भी अधिक था। लेकिन इसके बाद भारत पर विदेशी हमलावरों ने बार बार हमले किए और सोने की चिड़िया के पंख एक तरह से कटने लगे। सल्तनत काल हो या फिर मुगल साम्राज्य, दुनिया के जीडीपी में भारत का बड़ा हिस्सा थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ धीरे धीरे कम होता गया। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा गिरावट तब आई जब भारत को ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बना लिया। वैसे तो आर्थिक हालात का आकलन करने के लिए कई कसौटियां होती हैं, लेकिन अगर एंगस मेडिसन के चार्ट को एक नजर में गौर से देखें तो इतना तो समझ में आता है कि भारत का स्वर्ण युग पहली शताब्दी से पहले ही था। सल्तनत काल और मुगल काल को स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता। भारत की संपदा में जो गिरावट हुई उसकी वजह पिछले 1000 साल का घटनाक्रम है, जिसमें भारत के लोगों पर हुए अत्याचार का एक लंबा इतिहास रहा है। मणिशंकर अय्यर ने तो विवादों का ऊंचा स्कोर करने वाली अपनी सलामी बल्लेबाजी अभी शुरू की है, लेकिन वो अकेले नहीं है। इससे पहले सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना आतंकियों की कट्टर विचारधारा से कर चुके हैं। विधानसभा चुनावों से पहले जिन्ना से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक सब राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। तुष्टिकरण और वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति चरम पर है और चुनावी शब्दकोश में शामिल मुगल, हिंदुत्व, जिन्ना, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शब्द भी ट्रेंडिंग हैशटैग बन रहे हैं। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर गए, बैरिस्टर बनकर के आए। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया, वो सिकंदर को महान बता दिया। देश की अजीब विडंबना है। जब भी चुनाव होते हैं असली मुद्दे किनारे खड़े होते हैं। फिलहाल चुनाव का मुद्दा रोटी पानी बिजली नहीं, जिन्ना, चंद्रगुप्त, मुगल, हिंदुत्व है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने चुनावी मौसम में मुगलों की तारीफ की तो कांग्रेस के लिए कुछ भी बोलना भारी पड़ गया। विवाद का ऐसा तार छिड़ा है, कांग्रेस नेताओं का दिमाग झंझना गया है और बीजेपी को पॉइंट ब्लैंक पर हमला करने का मौका मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान से पूछ के भारत में बयान देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और कांग्रेस की सोच आज एक दूसरे का पर्याय बन चुकी है। और अच्छा होता कि पाकिस्तान के वजीर आजम का बयान सुनने के बजाय वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भाषण सुनते। कांग्रेस के नेताओं के खून में और डीएनए में गद्दारी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आतंकवादियों का समर्थन किया है, आतंकवादियों का साथ दिया है। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तानियों से कहा था कि हिंदुस्तान की सरकार बदल दे। मुगलों के अलावा चुनावी माहौल में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम की भी एंट्री हो गई है। चंद्रगुप्त के नाम पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर को युद्ध में हराया था। इतिहास कैसे विकृत किया जाता है? इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया, किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। लेकिन इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। कारण है, अगर इस सच्चाई जिस दिन भारतवासियों के मन में आ जाएगी तो समाज फिर से खड़ा हो जाएगा। इस बयान के बाद योगी आदित्यनाथ के इतिहास ज्ञान पर सवाल उठने लगे। उनके विरोधियों ने सीधे सवाल उठाए कि जिस समय यह युद्ध हुआ था उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य की उम्र 14 वर्ष रही होगी और सिकंदर 30 वर्ष का था, और सिकंदर की लड़ाई चंद्रगुप्त से कभी हुई ही नहीं। अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या कनेक्शन है? कहां से कहां बात को जोड़ देते हैं?
तुम्हें कम से कम नहीं मालूम तो पूछना चाहिए हिस्टोरियन से, उनके पार्टी में अगर है तो। कैसे बोल सकते हैं चंद्रगुप्ता वर्सेस अलेक्जेंडर, ये कुछ नहीं है, चुनाव के पहले इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। समाजवादी ने जिन्ना को लेके आ गया, तो योगी ने अलेक्जेंडर को लेके आ गया, अभी क्या क्या आगे हिस्ट्री के कौन कौन आने वाले पता नहीं। इतिहासकारों के मुताबिक जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया उस वक्त मगध पर चंद्रगुप्त का नहीं नंद वंश के धनानंद का शासन था। अब सवाल यह है कि फिर चंद्रगुप्त किस यूनानी व्यक्ति से लड़ा था। इतिहास की किताबों में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की लड़ाई का जिक्र है। चंद्रगुप्त के साथ साथ जिन्ना वाली राजनीति भी ट्रेंड कर रही है, जिसे अखिलेश ने चुनाव से पहले हवा दी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे, उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश ने जिन्ना को बयान फूंक कर जिंदा किया तो विरोधी उनके पीछे पड़ गए। सभी ने एक सुर में अखिलेश को याद दिला दिया कि जिस जिन्ना को महान बताने पर वो तुले हैं, वो कुछ और नहीं भारत के विभाजन का जिम्मेदार है। अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया उनको नहीं मालूम। इस जिन को तो हमने भगा दिया पाकिस्तान को, कहे जाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। देश के चुनावों के दौरान जिन्ना को महान बताने वाली राजनीति होती है। राजनेता इसको वोट पाने का हथियार समझते हैं, लेकिन जिन्ना का जिक्र वो दोधारी तलवार है जिससे खुद को भी चोट लगने का खतरा होता है। और इसी तरह से हिंदुत्व को बुरा भला कहना भी चुनावी मौसम में खतरनाक साबित होता है। ये आगजनी तोड़फोड़ सलमान खुर्शीद के घर पर हुई है। कारण है उनकी लिखी एक किताब जिसका नाम है द सैफ्रन स्काई। इस किताब के पेज नंबर 113 पर वो लिखते हैं, साधु संत जिस सनातन धर्म और क्लासिकल हिंदुइज्म को जानते हैं उसे किनारे करके हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को आगे बढ़ाया जा रहा है जो हर पैमाने पर ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों के राजनीतिक रूप जैसा है। इस लेख के जरिए उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से की है। जाहिर है ये तुरंत एक राजनीतिक हैशटैग बन गया और चुनावी लड़ाई के हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल होने लगा। वो यहाँ बाहर चिल्लाएं, उससे अच्छा ये है कि जाएं, रिसर्च करें, लिखें, कुछ बताएं कि हमने जो किया है वो क्यों गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, ये सब लोग केवल तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति करती हैं और इनको लगता है इससे मुसलमान वोट देंगे, जबकि सच्चाई ये है कि आज का मुसलमान देशभक्त है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। विरोध के बाद खुर्शीद अपनी किताब में लिखे शब्द तो नहीं बदल सके, लेकिन सॉफ्ट अंदाज में लोगों को समझाने लगे कि उनका वो मतलब नहीं था जो समझा गया। नेताओं की यह मासूमियत अपने आप में रिसर्च का विषय है। क्या कहूँ कि मेरी पार्टी ने किनारा कर लिया, जब मेरी पार्टी खुलकर, मेरा नेतृत्व खुलकर वही बात कह रहा है जो मैंने कही है, और मुझे गर्व है अपने नेतृत्व के कि आज के हालात में वो ये गिनती नहीं कर रहे हैं कि किस चीज में फायदा है, किस में नफा है, किस में नुकसान है, वो खुलकर वो बात कह रहे हैं जिसको हर अच्छे चरित्र का व्यक्ति जो देशभक्त है जिसको कहनी चाहिए। फिलहाल जिन्ना और मुगल, चंद्रगुप्त और हिंदुत्व, इन्हीं पर बहस चल रही है। पांच राज्यों के चुनावी मुद्दे ऐसे शब्दों के शोर में गुम है। अभी आगे ये चुनावी शब्दकोश और बड़ा होने वाला है, इसमें नए नए विवादित शब्द जुड़ने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। अब आपको देश के पहले वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाले रेलवे स्टेशन की यात्रा पर लेकर चलते हैं, जिसे देखकर आपको किसी एयरपोर्ट पर होने का एहसास होगा। अब तक भोपाल के इस स्टेशन की पहचान हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से थी, लेकिन पुनर्निर्माण के बाद आज से इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है, यानी स्टेशन के कायाकल्प के साथ इसका नामकरण संस्कार भी हो गया। आज पीएम मोदी ने भोपाल जाकर इस स्टेशन का उद्घाटन किया और रेलवे के इस नए युग के स्टेशन की सुविधाओं के बारे में विस्तार से समझाया। यह देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसमें यात्रियों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरां, साथ ही मॉल, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, हॉस्पिटल, होटल, मॉल और स्मार्ट पार्किंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तैयार किया रेलवे स्टेशन है, जिसके पुनर्निर्माण में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आई। इसके अलावा स्टेशन परिसर में बने दूसरे व्यावसायिक निर्माण में करीब 350 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, यानी कुल 450 करोड़ रुपए का खर्च हुआ।
अब इस स्टेशन की खासियत नोट कर लीजिए ताकि भोपाल यात्रा के दौरान आप इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के अनुसार डिजाइन किया गया, यानी इसे चलाने के लिए सौर ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, वेंटिलेशन अच्छा होगा और बारिश के पानी का भी प्रयोग होगा। पानी की खपत को कम करने के लिए रीसाइक्लिंग के बाद पानी का अधिकतम इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रेन के आने पर यात्रियों की भीड़भाड़ को कम करने के लिए स्टेशन की एंट्री और एग्जिट को अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधाओं के लिए पूरे स्टेशन पर रैंप, लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को थकान कम हो। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करने के बजाय स्टेशन के ऊपरी हिस्से में 6 डिपार्चर लॉबी बनाई गई हैं, जिनमें एक बार में 1000 से ज्यादा यात्री बैठ सकते हैं। इसके अलावा यात्रियों को एक्स्ट्रा सुविधा देने के लिए स्टेशन पर एसी रूम, एसी लाउंज और नई तरह के रिटायरिंग रूम बनाए गए हैं। इसके लिए यात्रियों को थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि करोड़ों रुपए के रिनोवेशन के बाद यात्रियों पर खर्चे का बोझ कितना बढ़ेगा। तो आपको बता दें कि यात्रियों से सिर्फ रेल यात्रा और प्लेटफॉर्म टिकट के अलावा कोई दूसरा शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्टेशन को लोगों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, लेकिन अब स्टेशन पर होने वाली सारी व्यावसायिक गतिविधियां, जैसे चाय पानी से लेकर भोजन तक और आरामदेह सुविधाओं से लेकर मनोरंजन तक, सब पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक प्राइवेट फर्म का अधिकार होगा, यानी सुख सुविधाओं के लिए कुछ कीमत चुकानी होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये एयरपोर्ट नहीं बल्कि देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस वर्ल्ड क्लास स्टेशन पर आपको यात्रा की थकान कम और आनंद ज्यादा महसूस होगा। पिछले 5 साल की मेहनत के बाद आखिरकार भोपाल को नया और सुख सुविधाओं वाला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन मिल ही गया। जिस स्टेशन की कल तक पहचान हबीबगंज से थी, वो अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, यानी स्टेशन का रिनोवेशन भी और नया नाम भी। रानी कमलापति स्टेशन को 4 सबसे खास बातों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ट्रेन में आने जाने पर यात्रियों की भीड़, स्टेशन पर वेटिंग एरिया की कमी, ट्रेन के ज्यादा देर तक इंतजार के लिए सुविधाओं का अभाव और प्लेटफॉर्म पर खाने पीने की सुविधाओं की कमी। लेकिन भोपाल के इस स्टेशन पर ये सारी खूबियां दूर करके एयरपोर्ट वाली सुविधाओं की तरह यात्रियों का ध्यान रखा गया है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। जो सुविधाएं कभी एयरपोर्ट में मिला करती थी, वो आज रेलवे स्टेशन में मिल रही है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर रोजाना करीब 70 से 80 ट्रेनों का ट्रैफिक है। इसके अलावा स्टेशन पर करीब 25,000 यात्रियों की आवाजाही है। ऐसे में यात्रियों की भीड़ को मैनेज करना सबसे बड़ी चुनौती थी, इसलिए स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को स्टेशन के ऊपरी हिस्से से प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की और स्टेशन से उतरने वाले यात्रियों को सबवे से बाहर निकालने की व्यवस्था की गई है, ताकि ट्रेन के आने पर भीड़ की समस्या ना हो। पैसेंजर सेग्रीगेशन की अगर बात करते हैं, तो जो पैसेंजर ट्रेन जिसको पकड़नी है वो ईस्ट बिल्डिंग या वेस्ट बिल्डिंग से अंदर एंटर करेगा, और लिफ्ट ट्रेवलेटर या एस्केलेटर के सहारे जो है वो एयर कॉन्कोर्स लेवल पे आएगा और वो यहाँ पर वेट करेगा। वेटिंग एरियाज जो है वो इस तरह से बनाया है कि पैसेंजर्स को यहाँ पे वक्त बिताने में बोरियत ना हो, वो बोर ना हो। इसके लिए जो है एंटरटेनमेंट जोन है, फूड कोर्ट है, रिटेल एरिया है। उसके अलावा जो है जो पैसेंजर इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स लगाई हैं यहाँ पे, वो ड्यूअल पर्पस है। उसमें एंटरटेनमेंट भी चलता है और पैसेंजर इंफॉर्मेशन जो ट्रेन इंफॉर्मेशन है वो भी रहती है। तो इस लिहाज से जो है ये पैसेंजर सेग्रीगेशन जो आउटबाउंड है, जो इसको ट्रेन पकड़नी है, और जो ट्रेन से उतर रहा है वो ब्रिज के ऊपर या एयर कॉन्कोर्स पे नहीं आएगा, वो सबवे में से बाहर निकल जाएगा। ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए स्टेशन पर विशाल वेटिंग हॉल बनाए गए हैं। अगर ट्रेन का इंतजार कई घंटों का है तो ऐसे में एसी लाउंज में भी आराम किया जा सकता है।
ये है भारतीय रेलवे का पहला एयर कॉन्कोर्स। एयर कॉन्कोर्स यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय का काम भी करेगा, यानी वेटिंग लाउंज का काम भी करेगा, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर उनके खाने पीने का भी पूरा इंतजाम रहेगा। यहाँ पे कैंटीन भी रहेगी जहाँ पर यात्री वेटिंग करने के साथ साथ यानी अपनी ट्रेनों का इंतजार करने के साथ साथ खा पी भी सकेंगे, लेकिन इसके साथ ही उनके मनोरंजन की भी यहाँ व्यवस्था रहेगी, यानी एंटरटेनमेंट के लिए। यानी जो LED स्क्रीन आप देख रहे हैं, आमतौर पर यहाँ पर ट्रेनों की स्थिति भी दिखाई जाएगी, अनाउंसमेंट भी लगातार होते रहेंगे, और इसके साथ ही यहाँ पर उनके लिए बीच बीच में कभी न्यूज चैनल्स लगेंगे तो कभी दूसरी चीजें, यानी कभी गाने, कभी कोई फिल्में यहाँ पे चलती रहेंगी ताकि उनका मनोरंजन भी होता रहे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। स्टेशन पर जेबकतरों की समस्या, यात्रियों के सामान की चोरी और दूसरी घटनाओं को रोकने के लिए पूरे स्टेशन पर 162 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। स्टेशन के चप्पे चप्पे पर होने वाली हरकत पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा सकती है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का इकलौता ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया जिसमें 170 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हम इस वक्त कमांड कंट्रोल सेंटर पर हैं और ये एक तरीके से देखा जाए तो हूबहू जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट पर होती है जहां पर परिंदा भी पर ना मार सके, वही सुरक्षा व्यवस्था हबीबगंज रेलवे स्टेशन की होने जा रही है। एक भी ब्लाइंड स्पॉट ना रहे पूरे रेलवे स्टेशन पर, इसीलिए 170 कैमरों से इस पूरे रेलवे स्टेशन परिसर और इसके आसपास की जगह को CCTV कैमरों से एक तरीके से ढक दिया गया है। 4,00,000 स्क्वायर फीट का जो क्षेत्रफल है वो इन 170 CCTV कैमरों से पूरी तरीके से अब निगरानी में रहेगा। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी इमरजेंसी के दौरान पूरे स्टेशन को सिर्फ 4 मिनट के अंदर खाली कराया जा सकता है, यानी सुख सुविधाओं के साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले समय में देश को ऐसे कई और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन मिलने वाले हैं ताकि यात्रियों को शुभ यात्रा के साथ सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिल सके। रविश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। आज आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन के रेनोवेशन का आइडिया रेलवे को जर्मनी के हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन से आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1955 में बने जर्मनी के हेडलबर्ग स्टेशन पर रोज करीब 42,000 यात्री आते हैं, लेकिन यहां भीड़ से दिक्कत नहीं आती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हेडलबर्ग स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों के रास्ते अलग अलग हैं, ऐसे में दोनों यात्री कभी भी आपस में नहीं टकराते। ठीक इसी तरह की सुविधा रानी कमलापति स्टेशन पर की गई है। इसके अलावा सिंगल पॉइंट फैसिलिटी यानी एक ही छत के नीचे तमाम तरह की सुविधाएं जैसे रेस्टोरेंट, गेमिंग जोन, होटल, शॉपिंग और हॉस्पिटल की सुविधा का आइडिया भी हेडलबर्ग स्टेशन से लिया गया है। इसके अलावा जर्मनी के स्टेशन के रखरखाव की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी के पास है, ठीक उसी तरह रानी कमलापति स्टेशन की जिम्मेदारी एक प्राइवेट फर्म को दी गई है। ये तो हुई स्टेशन के आइडिया लेने की बात, अब स्टेशन के नामकरण का ऐतिहासिक पहलू भी आपको हम दिखाते हैं। जिस तरह यात्रा से पहले आपको ट्रेन का नाम और प्लेटफॉर्म नंबर की जानकारी होती है, उसी तरह आपको स्टेशन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। भोपाल के जिस हबीबगंज स्टेशन को रानी कमलापति के नाम से बदला गया है वो असल में भोपाल की आखिरी हिंदू महारानी थी जिन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा में जल समाधि ले ली थी। 16वीं सदी में सीहोर जिले की सलकनपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरौतिया के घर राजकुमारी कमलापति का जन्म हुआ था। रानी कमलापति बहुत सुंदर थी इसीलिए उनका नाम कमलापति रखा गया। राजकुमारी कमलापति को घुड़सवारी, मल्ल युद्ध और तीर कमान चलाने में महारत हासिल थी। इसके बाद गिन्नौरगढ़ के राजा सूरज सिंह शाह के बेटे निजाम शाह से रानी कमलापति का विवाह कर दिया गया। ये बात सलकनपुर के एक जमींदार के बेटे चैन सिंह को बहुत चुभ गई क्योंकि वो रानी कमलापति से विवाह करना चाहता था। इस शादी के बाद चैन सिंह ने एक षड्यंत्र के तहत रानी कमलापति के पति की जहर देकर हत्या कर दी और गिन्नौरगढ़ पर कब्जा कर लिया। अपने राज्य को वापस लेने के लिए रानी कमलापति ने अफगान के सरदार दोस्त मोहम्मद खान से संपर्क किया जो पैसे लेकर युद्ध करता था। इस युद्ध में चैन सिंह मारा गया लेकिन दोस्त खान की नीयत बदल गई, उसने रानी कमलापति को धोखा दिया और गिन्नौरगढ़ पर कब्जा कर लिया। यानी ये सिर्फ नाम का दोस्त था जिसका मकसद धोखा देना था। इसके बाद गिन्नौरगढ़ को वापस लेने के लिए रानी कमलापति के 14 साल के बेटे नवल शाह ने दोस्त खान से युद्ध किया
इस हमले में नवल शाह की मौत हो गई। इतिहासकारों के अनुसार 1723 में रानी कमलापति ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली। उसी तालाब को भोपाल का छोटा तालाब कहा जाता है। रानी कमलापति की मृत्यु के बाद ही भोपाल और उसके आसपास नवाबों का दौर शुरू हुआ। आज हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सरकार ने रानी कमलापति को सम्मान देने की एक छोटी सी कोशिश की है। अब जब भी आप इस स्टेशन से गुजरेंगे तब आपको रानी कमलापति के बलिदान की कहानी जरूर याद आएगी। वाराणसी का रुख करते हैं। आज माँ अन्नपूर्णा की दुर्लभ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को विधि विधान के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित किया गया। कनाडा के म्यूजियम से वापस भारत लाई गई इस दुर्लभ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 21 पुजारियों ने कराई। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उसकी शोभा यात्रा उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में निकाली गई। 11 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम में दुर्लभ मूर्ति को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा गया था। माँ अन्नपूर्णा अपने धाम लौट आई हैं। 108 वर्षों की यात्रा कर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में माँ का दरबार फिर सज गया है। भक्तों के घर अन्न के भंडार भरने वाली माँ का देवोत्थान एकादशी की शुभ घड़ी में वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर में आगमन हुआ है। चोरी कर कनाडा भेज दी गई माँ अन्नपूर्णा की दुर्लभ मूर्ति की दोबारा प्राण प्रतिष्ठा हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर के ठीक इस ईशान कोण में आप देख सकते हैं मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है कनाडा से तमाम प्रयासों के बाद यहां पे लाई गई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए सार्थक प्रयास करते हुए मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को आज यहां प्राण प्रतिष्ठित रूप से कराया गया है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।